उपसभापति जी, भारत के अंदर अभी माने एक सीनियर सदस्य ने कहा कि इसको गौ माता कहा जाता है और इसका दूध माँ के दूध के बाद दूसरा अत्यंत मूल्यवान दूध माना जाता है। परंतु आज मैं एक सत्य बात यहाँ रखना चाहता हूँ, कभी कभी छोटी घटना भी बड़े रूप क्यों लेता है। भारत में आज़ादी मिलने के बाद जो गौवंश की संख्या थी वो इतने तेजी से घटी है, जो एक आदमी के पीछे 8-9 रहते थे, आज 8-9 आदमी के पीछे एक गौवंश बचा है। ये समस्या का मूल कारण है। ब्राज़ील के अंदर भारत की गौ संपत्ति बढ़ती है और दूसरे देशों में गौ संपत्ति बढ़ती है, भारत की गौ वहाँ बड़ी मात्रा में बढ़ रही है दूध के लिए, लेकिन यहाँ पर इसका विनाश हो रहा है। हम भारत के सभी नागरिक इसके बारे में विशाल दृष्टिकोण से सोचेंगे तो शायद ये समस्या नहीं आएगा और हम भी किसी पार्टी का नाम या रूप न लेते हुए सच्चाई को समझकर इस भारत के नागरिक के नाते सोचे और उस गौ संपत्ति जो दुनिया में आज नंबर 1 दूध देने का गौ बना है उसके साथ छेड़छाड़ होगा तो कहीं ना कहीं दिल को, क्योंकि इसके साथ भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है। उस अस्मिता को, किसी का भी अस्मिता को धक्का लगता है तो कई बार ऐसी चीज होती है। सरकार को जो कानून दिया गया है कई बार कई राज्य सरकार इसे कड़े रूप से इम्प्लीमेंट नहीं करती है, इसके कारण भी ऐसी घटनाएं होती है। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, इस कानून को राज्य सरकारों द्वारा तेजी से लागू किया जाए, फिर इस अस्मिता को धक्का न लगे, फिर अगर हो सकता है तो संबंधित मंत्रालय से बात कर भारत की जो अत्यंत अमूल्यमान देशी गौ संपत्ति है उसे बड़ी मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करें। और ये न कहा जाए कि हर आदमी का खाने का हक है तो इसको एक अतिरेक में मत ले जाइए। अगर नागालैंड में खाते हैं तो खाने दीजिए, लेकिन इसके लिए मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये हर आदमी का अपना स्वभाव कहकर, किसी देश में ईदी अमीन भी आदमी को खाकर जीना चाहता था, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और योग्य दिशा माननीय गृह मंत्री जी इस चर्चा के अंदर से हमारे देश को देंगे, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। ओके।